Hey, what's up guys? Welcome back to my channel guys. So, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्रिकेट 22 अपने Asus Cup F15 के ऊपर। तो देखते हैं गेम कैसा होने वाला है, कैसा चलेगा अपने लैपटॉप के ऊपर। इसको पूरा कवर करते हैं, पूरा निचोड़ कर चलाते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर गाइस। जैसे कि आपको पता है अपने पास Asus Cup F15 है, i5 10th जनरेशन, GTX 1650 है एंड 8GB RAM। अच्छा मैम गाइस, ये वाला मॉडल है मेरे पास। तो इसके अंदर आज हम खेलेंगे क्रिकेट 22, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस हमको मिलने वाली गाइस। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी से ही लाइक कर दो, बाद में भूल जाएगा, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल के ऊपर, आपको इसी तरह के वीडियोस यहां पर देखने को मिलती है गाइस। तो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस अपना गेम यहाँ पर अपन चालू कर लेते हैं और आपको बता रहे हैं कैसा इसका गेम प्ले होने वाला है। मैं बटन दबा लूँ एक बार और मैं खेल रहा हूँ अपने कंट्रोलर से। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मजा आता है कंट्रोलर से खेलने में, आपको पता ही होगा भाई, कभी कभी कीबोर्ड माउस से खेलना अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली क्रिकेट एंड फीफा वाले गेम्स जो होते हैं मज़ा आता है काफ़ी खेलने में। तो गाइस गेम शुरू करने से पहले आपको मैं सेटिंग बता दूँ एक बार, जाकर सेटिंग हम देख लेते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर जाते हैं, ग्राफिक के अंदर जाते हैं, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, एज इट इज़ चल रहा है यहाँ पर। एक सेकंड में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। नाउ स्कोर, तो गाइज ये है ग्राफिक की सेटिंग कुछ, तो आप यहाँ पर देख लो, मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। एज इट इज जो आई थी प्रीसेट ये वही है। तो हाईएस्ट डिटेल्स वगैरह सब सेट है हाई के ऊपर ही, कुछ ज़्यादा इसमें कम नहीं है। तो अपन फटाफट से अपना मैच चालू कर लेते हैं यहाँ पर और प्ले नाउ पे करते हैं, ठीक है। ना ना अपन करते हैं एक क्रिकेट मेंस मैच, ओके इंडिया अपन ले लेते हैं यहाँ पर और सामने वाले को हमने पाकिस्तान दिला दिया। स्टार्ट मैच। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा गाइज, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और गाइज लैपटॉप की क्लीप भी मैंने कुछ कम नहीं की और परफॉर्मेंस मोड के ऊपर है अपना लैपटॉप, और अभी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आई थिंक समथिंग इज अराउंड 28 के करीब है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। काफी गर्मी है रूम में तो थोड़ा ध्यान में रखना उस बात को, मैं बता दूं आपको पहले से। तो टॉस हो गया यहाँ पर, ओके पाकिस्तान कॉल्ड हैक्स, ओके अपन इंडिया वॉन द टॉस, अपन बैटिंग करेंगे, पहले बैटिंग ही करते हैं, हम बॉलिंग नहीं करते भाई, हम बैटिंग ही करेंगे यहाँ पर। तो चलो भाई फटाफट से, अभी तो FPS अच्छे दिख रहे हैं, इसको हटा दूँ एक सेकंड, माउस का कर्सर आ रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है चालू हो गया, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होगे यहाँ पर। गेप कहाँ है भाई, नो भाई बच गया, ओके चलो यहाँ पे गेप इस साइड बेल्ट घुमाने की कोशिश करते हैं, या तो स्क्वाइड मारेंगे फिर, मेरे को क्रिकेट खेलना आता नहीं यार असली में भी और अपने गेम के अंदर भी। गेम तो खैर मैंने अभी डाला है भाई, अच्छी सी बॉल डाल दे यार, हमें हमारे टाइप की बॉल डाल दे यार भाई, घुमाया गए हमने और छोड़ दी उसने बॉल, एक और रन ले लिया, दो रन हो गए हमारे, चार हो गए भाई, चौका ही मार दिया डायरेक्ट भाई ने तुम्हारे। इसका रिप्ले देखना तो बनता है, मे बी अचंभित हूँ कैसे पड़ गया शॉट यहाँ पर, देखते हैं कैसे पड़ा। और ठीक है अजीब सही है, मतलब तुक्के तुक्के में पड़ गया, मुझे खेलना नहीं आता है गेम ही वाला, गेम प्ले जज मत करना, बस रिव्यू देख लो आप लोग। तो गाइस देख सकते हो FPS भाई बहुत सही आ रहे हैं, 92 FPS आ रहे हैं अपने को, हाई सेटिंग के ऊपर गेम चल रहा है अभी, तो देख सकते हो भाई अपना Asus Cup काफ़ी कैपेबल है। 28 डिग्री टेम्परेचर है अभी रूम का, तो उस हिसाब से अपने लैपटॉप का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है गाइस, तो मानना पड़ेगा भाई। जब से मैंने क्लीनिंग की है ना अपने फैंस के लैपटॉप के फैंस की, उसकी सफाई की पीछे से, जब से टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज हुआ है हर गेम के अंदर, मैंने नोटिस किया ये बात। तो सो इट्स गुड, क्लीन करते रहो अपने लैपटॉप को हर 2-3 महीने में एक बार, पीछे से खोल लो, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा कैसे क्लीन करना है अच्छे से Asus Cup F15 को, या मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। कमेंट करके नीचे बताना मुझे अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो बनाए। और भाई 100 तक FPS आ रहे हैं हमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। एक और बार बैट घुमाया हमने गैप देख कर, एक और चौका जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, चलो हो गया एक और चौका। और ग्राफिक बहुत सही है गेम के भाई, ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, और मैं कैमरे से शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रियल टाइम में रियल परफॉर्मेंस अभी इस गेम की दिखा पाऊँ मैं, क्योंकि ये लेटेस्ट गेम है, अपन ओल्ड गेम के अंदर चल जाता है FPS नहीं दिखाओ तो, बट नए गेम के अंदर दिखाना ज़रूरी, क्योंकि काफ़ी फेमस गेम है और काफ़ी लोग इसे खेलते भी हैं और काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई इस गेम को रिव्यू कर दो आप, मेरे को कम से कम बहुत बार बोला गया इस गेम के लिए,
तो मेरे पास एक्सबॉक्स के अंदर ये गेम था, तो मैंने सोचा इसको कर देते हैं रिव्यू। गाइज अगर आपने एक्सबॉक्स का पास नहीं खरीदा होगा ना अभी कुछ हफ्ते पहले, आपको 60 रुपये में 3 महीने के लिए एक्सबॉक्स का पास मिल रहा था। अगर जिन लोगों ने इस डील को मिस किया होगा ना भाई, वो पछता रहे होंगे। आपको पता नहीं होगा एक्सबॉक्स के ऊपर अब फार क्राई 5 भी आ गया है, वो भी खेल सकते हो आप। और अब गाइज एक चीज़ नोटिस करो, मेरा GPU बहुत यूज़ हो रहा है, मतलब 94% तक यूज़ हो रहा है, 97% तक भी जा रहा है GPU का यूसेज। मतलब GPU इंटेंसिव गेमिंग है, CPU उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना GPU हो रहा है। भाई बच गया, एज लग जाती है अभी। गलत बात है ये तो, हमारा केज पकड़ लिया यार, हम पहली बार तो गेम खेल रहे हैं ये वाला, कम ऑन यार, लेट करेंगे हम। और भाई 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 एक और रन ले ले। अबे भाई एक और रन ले ले, 3 रन तो हो गए मेरे। अबे चार रन, दौड़ कर ही 4 रन ले लिए हमने, बताओ भाई। ये तो सीन हो गया गजब से यार, गजब सी बात हो गई है तो एकदम। 4 रन ले लिए हमने दौड़ कर, बताओ भाई। ओके प्ले कर दिया हमने यहाँ पर। बस थोड़ी सी जो मॉडल्स है ना, मतलब जो क्या प्लेयर्स हैं उनके ऊपर इतना काम नहीं करा इस गेम के अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है। उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगती है, जैसे फीफा के अंदर आप देख सकते हो, काफ़ी रियल लगता है उसमें। अभी क्या कर दिया मैंने यार, गलती से एक्स दबा दिया मैंने, तो रन ले लिया उसने। चलो छोड़ो यार, हम तो रिव्यू कर रहे हैं, हमें कौन सा गेम खेल के रन बनाने, हमें तो आपको वीडियो बना के दिखानी है बस इस गेम की। तो गाइस प्रीसेट सेटिंग के ऊपर ये गेम कुछ इस तरीके से चलेगा, आप देख सकते हो ये 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 ही होगा आई थिंक, ये 4 हो गया। तो प्रीसेट सेटिंग के ऊपर क्रिकेट कंट्रोल को आपके एसुस कैफ F15 या सिमिलर स्पेक्स वाले लैपटॉप या PC के अंदर कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको देगा निकाल कर, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। और ये वर्स्ट सिचुएशन है जिसके अंदर अभी फैन भी ऑफ है रूम का, ना ही कोई AC ना कूलर यहाँ पर चल रहा है, तो उस हिसाब से आप वीडियो को ले सकते हैं। और रूम पैक है पूरा भाई, चौका पड़ना ही चाहिए। तो भाई बैट तो घुमाया भाई ने तुम्हारा, वो ही खड़ा हुआ वहाँ पे, बॉल पकड़ लेगा वो। चलो रन दो, मत दौड़ना भाई, गलती से एक्स दब गया था पिछली बार, तो रन ले लिए तो उसने। बस GPU इंटेंसिव गेम है ये, ध्यान में रखना आप, GPU आपका अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 GB तक का तो होना ही चाहिए, तब जाके मजा आएगा। जो लो एंड PC में खेलेंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं, आप इसकी स्पेसिफिकेशन एक बार चेक कर लेना जाकर, इस गेम की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो चेक कर लेना आप। गाइस जब से मैंने Asus Turf F15 लिया है ना, जब से मैंने किसी भी गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेक ही नहीं किया है गाइस। मतलब मुझे पता है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये मेरा लैपटॉप ये गेम को चला ही देगा 100%। हर गेम के ऊपर मेरे को भरोसा होता है, और ऐसा हुआ भी है, मैं 100 से ज़्यादा गेम खेल चुका हूँ उसके ऊपर, और सभी सक्सेसफुली रन हुए हैं। कुछ कुछ को मैंने ख़त्म भी कर दिया है, कुछ कुछ को डिलीट भी कर देता हूँ मैं फटाक से, जैसा आपको पता ही होगा। तो जब आपके पास इतनी पावरफुल मशीन हो ना, तो आपको भाई मज़ा ही आता है, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई कि हाँ हमारा लैपटॉप या हमारा PC किसी भी गेम को चलाने के लिए बहुत पावरफुल है। अगर आप बोलोगे तो इस गेम के ऊपर मैं एक वीडियो और ले आऊँगा जिसके अंदर मैं सारे सेटिंग्स को कवर कर दूंगा। ये मैं केवल प्रीसेट के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग प्रीसेट के ऊपर खेलना पसंद करते हैं, वो खुद से ज़्यादा कोई नहीं करते हैं सेटिंग। तो भाई आपको प्रीसेट जो हाई है उसके ऊपर ही 100 तक FPS आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप कम कर लेंगे तो आपको 100 से ऊपर ही FPS मिलना है, और आपका CPU टेम्परेचर GPU टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि यूसेज भी कम हो जाएगी इस वजह से। तो आप अगर लैपटॉप की आपको कूलिंग वगैरह की चिंता है ना, तो आप आप ग्राफिक्स सेटिंग को कम कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल के आए। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज आप लोग देख रहे हैं वीडियो पर, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइज, तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसे। तो गाइज इस वीडियो के ऊपर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब इसे और आगे तक दूसरे लोगों तक भी पहुँचाए जो हमसे जुड़ सकें, जिनको इस वीडियो की सच में ज़रूरत है। तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।